तो 26 तारीख को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, प्रदेश की सारी कैबिनेट और संगठन के लोग रोहतक में कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करेंगे। इसकी जानकारी हरियाणा सरकार के सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर ने दी। वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय में संगठन महामंत्री से बैठक करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रैली को लेकर भी निशाना साधा। आज सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर प्रदेश के नेताओं ने बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर ने संगठन महामंत्री से मुलाकात कर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की। ग्रोवर ने कहा कि अकेले प्रधानमंत्री का कार्यक्रम चुनाव की रणनीति को लेकर नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश के प्रभारी अनिल जैन भी प्रदेश में संगठनात्मक बैठकों में शिरकत करेंगे। जहां तक नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने की बात है, तो इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। 26 तारीख को गजानिया में हरियाणा के मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, विधायक, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जिला अध्यक्ष, प्रदेश के पदाधिकारी, ऐसी बैठक गजानिया में 12 बजे होने वाली है। 8 तारीख को देश के प्रधानमंत्री मेला ग्राउंड, उसमें पन्ना प्रमुख जो 19,300 हमारे जो पन्ना प्रमुख हैं, पन्ना प्रमुख, शक्तिगंज प्रमुख और पालन, उनकी बैठक को संबोधित करने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए 10 बजे 8 तारीख को मेला ग्राउंड में आ रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की महापरिवर्तन रैली पर कटाक्ष करते हुए सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर ने कहा कि सोनिया गांधी ने हुड्डा के लिए सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं। अब हुड्डा कहीं के नहीं रहे, केवल रोहतक की कोठी तक ही सीमित रह गए हैं। जनता हुड्डा के कारनामों को देख चुकी है, जो अब इनके बहकावे में नहीं आएगी। जहाँ तक हुड्डा के खिलाफ जाँच की बात है, तो जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। हरियाणा की जनता समझ गई उसके काम करने का तरीका क्या था, और जो मेरा आकलन है, जो उस दिन हाथ खड़े किए हैं सोनिया गांधी ने और राहुल गांधी ने, परमानेंट उनके दरवाजे बंद कर दिए हैं, भाई इस चौखट में आने की जरूरत नहीं। क्या उम्मीद है आपको एक नई पार्टी और आ सकती है प्रदेश में आप लोगों की? मैंने कहा वो ना इधर का रहा ना इधर का रहा, वो मॉडल टाउन के मकान में ही रहेगा। प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी रणनीति बनाने में जुट गई हैं। अब देखना होगा कि जनता किस पार्टी को अपना आशीर्वाद देकर उन्हें विधानसभा चुनाव में विजयी बनाती है। रोहतक से देवेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।